अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग जी। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक खैर वाफियत के साथ हैं जी। प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू मटर और मूंगरे की मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी। प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, साथ ही हमने कर दिया है प्याज ऐड, और जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ है हमने उसमें ऐड कर दिए हैं 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी मिक्स वेजिटेबल्स की, मज़ेदार सी रेसिपी है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस, मज़े मज़े के खाने, मज़े मज़े के जायके देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी मज़े की रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल्स की, मज़ेदार सी रेसिपी। तो जी प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी हैं 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक काट के, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल्स की मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब हमने ऐड किया है हल्दी पाउडर, और तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ही इसमें गया है नमक, और तकरीबन हम इसमें ऐड करेंगे 1। तो जी प्यारे व्यूअर्स, हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर देंगे सुरख मिर्च पाउडर, हमने ऐड कर दिया है इसमें 1 टीस्पून के करीब। अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और दूसरी साइड पर हम आपको दिखाते हैं सब्ज़ियाँ। तो जी यहाँ पर हमने आलू जो है बारीक काट के मीडियम साइज़ के, जिस तरह भी आप लोग खाना पसंद करते हैं काट के रख लें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे ये मूंगरी हैं, ये हमने बारीक बारीक जो है तोड़ के रख लिए हैं, और साथ ही तकरीबन 1 पाव के करीब है ये मटर, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे हैं मौसम की वजह से। तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडी हैं। तो जी प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमने ऐड किया है इसके अंदर तो मसाला, चूँकि हमारा रेडी हो चुका है, हम मसाले में ऐड करने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, जुड़े रहें हमारे साथ मज़े की रेसिपी के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो जी प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हम जो है टमाटर को अच्छे से गला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे मिक्स वेजिटेबल। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो जो है बर वक्त आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें जी। इसी तरह हम आप लोगों के लिए मज़े की रेसिपी जो है वो लेकर आते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आगे आ रहा है जनाब हैप्पी न्यू ईयर, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है मज़े की रेसिपी जो है वो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे जी। प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मसाला चूँकि हमारा अच्छे से भुन चुका है, और टमाटर जो है पिस गए हैं, गल गए हैं, अंदर ही हमने सारे मैश कर लिया है चम्मच की मदद से। तो जी प्यारे व्यूअर्स, मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 kg के करीब सब्ज़ी है जो मिक्स वेजिटेबल है, हम इसमें मूंगरे ऐड कर देंगे। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है ये, और सर्दियों में ख़ास करके बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं जी, वो जैसे ही मसाला हमारा भून के रेडी हुआ है, हमने इसमें मूंगरे ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मटर और आलू। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं जी, हमने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। मटर चूँकि बर्फ़ बन चुके हैं, और हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और साथ ही साथ तकरीबन 1/2 kg के करीब आलू हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। अब इस मिक्स सब्ज़ी को अच्छे से हमने भून लेना है, अच्छे से हिला लेना है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे से भून लिया है और हिला लिया है, क्योंकि जो है उसी हाथ से वीडियो नहीं बनती है, और दूसरे हाथ से चम्मच जो है हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, मिक्स सब्ज़ी जो है उसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं।
जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं जी बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं जी आलू मटर मोगरे की मज़ेदार सी सब्ज़ी जो के बन के रेडी हो चुकी है। अब पराठे के साथ, मक्खन के साथ और जिस मर्ज़ी देसी घी के साथ आप लोग इसको नोश फरमा सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के रेडी।